देखिए एमटीटीवी इंडिया के हाथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर हाथ लगी है और जो हमारे कैमरा पर्सन है उन्होंने जानकारी को निकाला है और एक बहुत ही लापरवाही। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। और किस तरीके से व्यवस्था के अंदर लूपहोल्स है उसका खुलासा कर रहे हैं, उसका खुलासा हम लोग आज इस खबर के माध्यम से कर रहे हैं। तरुण सेन नाम का ये शख्स है जो अजमेर के नवाब खबेड़ा इलाके के अंदर रहता है। 24 साल इसकी उम्र है और इस शख्स ने अपना जन्मदिन अपने साथियों के साथ मनाने के लिए एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया। एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल्स है, उन तमाम नियमों को तोड़कर नजरअंदाज कर ये शख्स 19 अप्रैल की रात को 3:30 बजे अजमेर से जयपुर गया और इसके लिए बकायदा तरुण सैन ने एक एम्बुलेंस का जो कर्मचारी था उससे बातचीत की। उस बातचीत में एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसने ये कहा है उसको कि 19 अप्रैल की रात 3:30 बजे उस शख्स को जयपुर छोड़ देगा और जयपुर छोड़ने के जो डील हुई है वो डील 15,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन 15,000 की बजाय ये डील 10,000 रुपए में फाइनल हुई। और देखिए किस तरीके से आप 10,000 रुपए की कीमत देकर अजमेर से एक शख्स तमाम लॉकडाउन नियमों को तोड़कर जयपुर चला गया। तरुण सेन नवाब का बेड़ा का बेड़ा निवासी ये लड़का है, ये युवक है और जयपुर में जन्मदिन मनाने के लिए गया, बर्थडे पार्टी मनाई। उसके बाद 24 अप्रैल तक ये शख्स जयपुर में रहा। 19 अप्रैल को रात 3:30 बजे अजमेर से जयपुर गया एम्बुलेंस के जरिए 10,000 रुपए में की और उसके बाद 24 अप्रैल को जयपुर से वापस अजमेर के लिए रवानगी की। और देखिए आप जिस तरीके से थोड़ी सी रियायत जो एग्रीकल्चर के सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन को दी गई थी उसका दुरुपयोग ये लोग इस तरीके से उठा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से नियमों का। और सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। ये वो शख्स हैं जो समाज के अंदर कोरोना महामारी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ा रहे हैं और ऐसे लोगों को रोकथाम फिलहाल किसी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। आस पड़ोस के जो लोग हैं, घर के जो लोग हैं, वो अगर संदेश नहीं कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कोरोना का विस्फोटक मामला बन सकता है। लेकिन अभी जब एमटीटीवी इंडिया ने इसकी जानकारी क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी है, जो थाना अधिकारी हैं सूर्यबान सिंह, उनको ये जानकारी पूरी दी गई है, उनको बताया गया कि एक शख्स इस तरीके से जयपुर में अपनी पार्टी मनाने के लिए गया और उसके बाद वापस अजमेर आया है, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एमटीटीवी इंडिया की सूचना पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें ये जो तरुण सेन जो शख्स है, जो युवक है, ये लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर 24 अप्रैल को जयपुर से अजमेर आया और अजमेर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रक होता है वहां पर उस ट्रक ड्राइवर से डील की, 2,000 रुपए में जयपुर से अजमेर पहुंचा और अजमेर के बाईपास से पैदल पैदल अपने घर तक पहुंचा है। जब एमटीटीवी इंडिया ने जानकारी दी है तो उसके बाद मेडिकल की टीम बुलाई गई है और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि एमटीटीवी इंडिया की सूचना पर इस शख्स के ऊपर और एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है जिसने तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है, तमाम नियमों को तोड़ा है, कानून की किस तरीके से कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई है उसको लेकर अब वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और उसके साथ में ये जो तरुण सेन जो शख्स है इसको होम क्वारंटाइन मेडिकल टीम ने कर दिया है। ये नवाब का बेड़ा में एक घर है, वहां रहता है सबसे ऊपरी मंजिल पे और ये तमाम लोगों को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर ये शख्स बाहर निकलता है तो कानूनी कार्रवाई और सख्ती के साथ की जाएगी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से इस शख्स ने जो तरुण सेन है इसके लिए लोगों की जान से ज्यादा इसका जन्मदिन की जो पार्टी है वो महत्वपूर्ण रही और एम्बुलेंस का किस तरीके से दुरुपयोग किया। सभी जानते हैं कि एम्बुलेंस इतनी महत्वपूर्ण सेवा है ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इस शख्स ने जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों को तोड़ा है और कानून के नियमों में जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई है ये शर्मिंदगी महसूस कराती है। और जिस तरीके से एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एक तरीके से रिश्वत लेकर 10,000 रुपए की डील फाइनल कर जिस तरीके से युवक को जयपुर पहुंचाया है वो भी कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस की गाइडलाइंस है उसको तोड़ते हुए, उन नियमों को तोड़ते हुए कानून को ठेंगा दिखाया है। और इसके लिए एमटीटीवी इंडिया के पास एक्सक्लूसिव ये जानकारी आई और उसके बाद एमटीटीवी इंडिया ने अपने दायित्व को निभाया, तुरंत प्रभाव से क्लॉक टावर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए हम फिर हमारे तमाम दर्शकों से एक चीज कहना चाहते हैं कि ये कोरोना महामारी का दौर है, ये वो दौर है जिसके बाद इस दौर से निकलने के बाद दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, लोगों के काम करने की जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उनमें बहुत बड़े बदलाव आएंगे। लेकिन उन बदलावों के बीच
उस बदलाव से पहले अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है तो वो समाज का बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है, वो इस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर आ सकता है, वो कोरोना महामारी को और बढ़ावा दे सकता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर हमको निगाहें रखनी है, नजर रखनी है, और कोई ऐसा शख्स अगर दिखाई देता है कोई भी, तो उसकी शिकायत हमको नजदीकी थाना या चिकित्सा विभाग को करनी चाहिए। एमपीटीवी इंडिया फिर अपने दर्शकों से अपील करता है कि हमें तमाम लॉकडाउन के नियमों की पूरी तरीके से पालना करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। कल आपके माध्यम से एक सूचना मिली थी हमें कि अपने सुधार न्यास वाली जो गली है वहाँ पर माली मोहल्ला है, वहाँ का एक व्यक्ति है तरुण सैन करके है जो जयपुर से वापस आया है, तो इतला पर मौके पे जाप्ता भिजवाया गया तो ज्ञात हुआ कि ये तरुण जो सैन है ये 24 साल का है और माली मोहल्ला में हमारे थाना क्षेत्र में निवास करता है। 19 तारीख को ये यहाँ से एम्बुलेंस को किराए पर लेके अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए जयपुर गया था, पत्रकार कॉलोनी में इसके दोस्त रहते हैं। इतला पर मेडिकल टीम को बुलवाया गया और इसकी स्क्रीनिंग करवाई गई। मेडिकल टीम ने उसको होम आइसोलेशन के लिए कहा था, इसको होम आइसोलेशन में भिजवाया गया है और इसके विरुद्ध लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर निकलना और एम्बुलेंस को धोखे से हायर करके जयपुर जाना, इस इतला पर हमने इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान किया जा रहा है कि किस एम्बुलेंस को ले गया था और कहां कहां गया है और किन किन लोगों से ये संपर्क में वहां आया है। फिर वापस कैसे आया? ये वापस के बारे में अभी तक ये इतला बता रहा है कि साहब इसको इसके दोस्त जो हैं वो जयपुर तक छोड़ गए थे और उसके बाद दूदू तक छोड़ गए थे और दूदू से ये ट्रक में और अन्य कोई साधनों से लिफ्ट लेके यहाँ तक पहुँचा है।